नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहन का स्वागत है पोषण अभियान की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया कि आज की ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, तो भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाई जा रही है राष्ट्रीय पोषण माह 2023, उसके अंतर्गत सभी सेविका बहनों को एक सर्टिफिकेट प्राप्त करवाया जा रहा है, जो आप लोगों का काफ़ी अच्छा सराहनीय काम रहा है। तो सभी सेविका बहन अपना अपना सर्टिफिकेट जरूर प्राप्त करें। तो आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। ठीक है, देखिए सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है उससे पहले ही आप लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। स्टार्ट डेट 15 सितंबर 2023 से लेके एंड डेट 30 सितंबर 2023 11:59 PM, यानी कि 30 सितंबर रात के 12 बजे के पहले आप लोगों को अपना अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना है। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को राष्ट्रीय पोषण माह का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि यहाँ पे कैसे आना है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है पोषण क्विज। पोषण क्विज जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो इस प्रकार से एक भारत सरकार का जो ऑफिशियल पेज है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर पोषण क्विज वाले पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप लोगों को एक पेज खुल के आ जाएगी, जहां पे आप लोगों को लॉगिन करके और कुछ नियम है उस नियम का पालन करते हुए आपको यहां पे अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस पोषण क्विज के अंतर्गत आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको 120 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। 120 सेकेंड के अंदर ही आपको ये 10 क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो आप वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, वरना वहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन है। आप स्किप करते जाएंगे आप लोगों को वहाँ पे जो राष्ट्रीय पोषण माह का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पोषण क्विज में लॉगिन कैसे करना है, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे लिखा गया है लॉगिन टू प्ले क्विज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकती हैं। जो भी सेविका बहन है वो अपना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगी और यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देंगी। चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, तो आप लोग भी अपना अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम उस ओटीपी को डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद देख सकते हैं अब लिखा गया है यहाँ पे स्टार्ट क्विज। अगर आप इस क्विज को हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अगर हिंदी सेलेक्ट किया है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, या फिर आप जिस लैंग्वेज में यहाँ पे प्ले क्विज करना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, मोर लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना भाषा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी क्विज दिखाएगा वो आपके भाषा में दिखाएगा और आप वहाँ से आसानी से क्विज को खेल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आप लोगों को करना क्या है, प्रश्नोत्तरी वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे चलिए हम प्रश्नोत्तरी वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो स्टार्ट क्विज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें कि आपको अपना बेसिक डिटेल्स भर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेना है, यहाँ पे जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर डाल लेना है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा, डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल फीमेल, आपको अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और नीचे में आपको अपना यहाँ पे जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल देना है। तो ये सारा कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट टू स्टार्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो जाएगा और यहाँ पे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी 120 सेकंड का जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाएगा। देखिए आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको जवाब पता है तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको हिंदी में कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अब हिंदी में जो भी सवाल है वो आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से सबसे अच्छा खाद्य प्रोटीन कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन पे क्लिक कर दिया है। आपको जो भी सही आंसर लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट करते जाइएगा। जितने भी नेक्स्ट करेंगे आपको 120 सेकेंड का ही टाइम है, जल्दी जल्दी में आपको यहाँ पर जो भी आपको आंसर सही लगता है वो सिलेक्ट कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। 120 सेकेंड का ही टाइम है, आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लिक करना है। अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप
तो यहाँ पे बस 19 सेकेंड का ही टाइम बचा है। हमने यहाँ पे सब क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, एक क्वेश्चन छूट गया है और यहाँ पे प्रश्नोत्तरी समाप्त वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो सही हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका यहाँ पे आसानी से जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त हो जाएगा। तो सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक और यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो चुका है कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना अपना सर्टिफिकेट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी वहाँ पे बेसिक डिटेल्स पूछ रहा है आप लोग वहाँ पे बेसिक डिटेल्स डालिएगा और 120 सेकेंड का जो टाइम है उसमें जितना भी क्वेश्चन आपको आता है वहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट करते जाइएगा, तो उसके बाद आपका आसानी से सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।